रूस के हमलों पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। क्या कहा उन्होंने बताते हैं आपको। 11 अक्टूबर को रूस ने 28 मिसाइलें दागी, 20 मिसाइलों को मार गिराया गया, रूस के सभी 15 ड्रोन भी ढेर किए गए, ज़ेलेंस्की का दावा। हालांकि ज़ेलेंस्की के बयानों पर, उनके दावे पर हमेशा से ही प्रश्न उठाए जाते हैं, इस बार भी उन्होंने बड़ा दावा किया। तो ज़ेलेंस्की का दावा, रूस की तरफ से जो हमला किया गया उसका जवाब दिया गया। 11 अक्टूबर को 28 मिसाइलें जो दागी गई थी उसको नाकाम किया गया, 20 मिसाइलों को मार गिराया गया। अनुराग शुक्ला सर, क्या पॉसिबिलिटी दिखती है भाई? डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया के सामने है, मिसाइलों ने जो तबाही मचाई उससे बौखलाहट भी ज़ेलेंस्की की दिख रही है, और फिर भी यह दावा कि हमने 28 में से 20 मार गिराया। ये सिर्फ स्टेटमेंट है, किसी ने ग्राउंड पे देखा नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और उन्होंने जिस तरह से G7 के पास पिछले दो दिनों के अंदर डिमांड रखी थी कि आयरन ड्रोन जैसे विध्वंसक हाई ग्रेड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी उनको दी जाए, तो इससे पता चलता है कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो इस चीज़ों में फेल हुई है। उन्होंने इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं जो रशिया की मिसाइल आई हैं। इसमें दूसरी चीज़ ये भी देखने की, नेटो भी एक तरह से पीठ पीछे कोशिश कर रहा है जानने की कि अभी इस समय आफ्टर 240 दिनों के बाद रशिया की कितनी शक्ति बची हुई है। वो इसीलिए चेक करने के चक्कर में उन्होंने ब्रिज पे, जो क्रीमिया के ब्रिज पे अटैक हुआ था, तो उसका रिवेलेटरी एक्शन उन्होंने देखने को मिला, और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अभी रशिया की तरफ से कोई भी तिरा से नीचे नहीं हुआ है, और वो लोग बिल्कुल पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एक नया फ्रंट खोला जाए जिससे कि रशिया उसी नए फ्रंट को लेकर। शुक्ला सर, हम देख रहे हैं कि बार बार आधिकारिक तौर पर बयान भी जारी किए जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है समीर कि किस तरीके से बड़ा नुकसान और बड़ी चोट एक बार फिर से रशिया की तरफ से यूक्रेन को पहुंचाई गई है।